हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ रांची से। तो आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है स्मार्ट शंकर। अब देखिए, ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में, लेकिन फाइनली अब ये हिंदी डब में रिलीज हो चुकी है यूट्यूब में। ये मूवी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। खैर, मेरा जो एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है अजाज अख्तर, 4 दिनों से वो मुझे कमेंट कर रहे कि भाई प्लीज स्मार्ट शंकर का रिव्यू कर दो। लेकिन मैं बहुत सारी आपको, जैसे कि पता है कि आप सब मेरी एक फैमिली जैसे हो, तो आप लोग जब भी मुझे कोई फिल्म के बारे में बताते हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी लोगों की जो फरमाइश है वो पूरी कर सकूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाता, आप लोगों को भी पता होगा। खैर, अब फाइनली मैंने वक्त निकाल के स्मार्ट शंकर मूवी देख चुका हूँ, जो कि यूट्यूब में हिंदी में अवेलेबल है। लेकिन कहीं ना कहीं राम पोटिनी सर का फैन मैं खुद भी हूँ, क्योंकि मैंने उनकी एक मूवी दमदार खिलाड़ी का रिव्यू किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जरूर चेक करना। खैर, हम लोग इस फिल्म की बात करते, इस फिल्म की जो 2 USP है वो है, एक तो पुरी जगन्नाथ सर जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर है, उसके अलावा जो इसके एक्टर है राम पोटिनी, ये दोनों ही इस फिल्म की USP है। उसके अलावा कहा ऐसा जाता है कि ये फिल्म एक साईफाई फिल्म है, लेकिन मैं आपको बता दूं, लेकिन ये साईफाई फिल्म के नाम पे से एक कॉन्सेप्ट छोटा सा लिया गया, अदरवाइज ये पूरी मास एंटरटेनिंग मूवी है। कहीं से भी आपको ऐसा लगता नहीं कि साईफाई मूवी है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है मेमोरी ट्रांसफर का, एक इंसान के दिमाग की जो मेमोरी है वो दूसरे इंसान में ट्रांसफर करने का, ये जो कॉन्सेप्ट है ये डायरेक्टर ने लिया है एक नेटफ्लिक्स पे आने वाली सीरीज अल्टर्ड कार्बन का। अगर आपको नहीं पता तो उसका रिव्यू मैंने बहुत अच्छी तरह से किया, आई बटन क्लिक करो, आप लोग वहां पर जाके देख सकते हो। और उस सीरीज में जिस तरह से इस कॉन्सेप्ट को यूज किया बहुत ही शानदार है, और अब 2 दिन के बाद इसका सीजन 2 भी आने वाला है। खैर, हम इस मूवी की बात करें तो कहानी है कि राम पोटिनी जो कि इस मूवी में नाम है उनका स्मार्ट शंकर, वो एक क्रिमिनल है, वो लोगों को पैसा लेके मारते हैं, लेकिन तभी वो पुनीत ईसर का खून कर देता है। पुनीत ईसर का खून क्यों करते, किसके बोलने पे करते, इसके पीछे की वजह तो आप इस सब मूवी में ही जान पाओगे। लेकिन इसके अलावा कहानी में ट्विस्ट तब आता है, उनके वजह से एक पुलिस वाले की मौत हो जाती है और वो भी जख्मी हो जाते हैं। अब उसके बाद कैसे मेमोरी जो ट्रांसफर वाली में जो बात कर रहा था उसको किस तरह से यूज करते हैं और क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने मिलते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी स्मार्ट शंकर। देखिए, स्मार्ट शंकर की बात करते, स्मार्ट शंकर की जो सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट लगी वो थी हिंदी डबिंग। उसमें कुछ इस तरह के डायलॉग है, अपन यहाँ पे बिरयानी खाने को नहीं आया है, अपन तुमको फोड़ने के लिए आया है, अपन तुमको ये करने के लिए आया है, अपन ये का डालेगा, अपन वो का डालेगा। तो जो इसकी हिंदी डबिंग जिसने भी किया ना, मुझे पसंद नहीं लगता, या तो उसको पैसे बराबर से नहीं मिले, या तो जो राइटर था वो कुछ बैगन या कुछ ऐसी चीज खा के आ गया था जो उस दिन उसको नहीं खाना चाहिए था। उसके अलावा जो भी इस मूवी की डबिंग किया है, शायद उसकी दुश्मनी होगी राम पोटिनी या तो फिर पूरी जगन्नाथ सर से, क्योंकि इतनी वाहियात डबिंग हुई है इसकी हिंदी में। स्पेशल जो हीरो हीरोइन की जो डबिंग हुई है टपोरी लैंग्वेज में, अरे बाप रे, इतनी खतरनाक है कि वो बर्दाश्त के बाहर है। फिल्म एक हिसाब से देखा है तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन वो डबिंग बहुत ही इतनी वाहियात है कि वो डबिंग मेरे को इतना इरिटेट कर रही थी यार। जो मेन कैरेक्टर है हमारे जो स्मार्ट शंकर, वो जब जब स्क्रीन पे आ रहे हो उनकी जो एक्टिंग है अच्छी लगी, क्योंकि वो अपने जॉनर से, अपने जो कंफर्ट जोन से निकल के कुछ अलग हटके कर रहे हैं। जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि राम पोटिनी एक लवर बॉय इमेज में जाने जाते, लेकिन अब वो हटके एक एक्शन हीरो के रोल में नजर आ रहे हैं। तो उसमें जब ये हिंदी डबिंग आप देखो ना, तो इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। खैर, ये मूवी की फर्स्ट हाफ मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म लुढ़क जाती है। आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन सेकंड हाफ में ये फिल्म लुढ़क जाती है, लेकिन ये फिल्म एंड होते होते ये फिल्म फिर भी संभलती है कि मतलब हाँ, क्लाइमेक्स देखते लगता है कि हमने कुछ देखे। लेकिन सेकेंड हाफ इसका मुझे बहुत कमजोर लग रहा था, लेकिन फिर भी ये मूवी मास ऑडियंस के लिए बनाई गई थी और ये मास ऑडियंस को बहुत पसंद आई है, और यूट्यूब पे भी काफी लोगों की मिक्स ओपिनियन हो गई। फिलहाल मेरे हिसाब से इतना कह सकता हूँ कि अगर आप राम पोटिनी के फैन हो और पूरी जगन्नाथ सर के फैन हो तो आपको ये फिल्म अच्छी लगेगी। हाँ, अगर पूरी जगन्नाथ सर के नजरिए से देखा जाए तो ये फिल्म आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले और भी अच्छी अच्छी फिल्में बना चुकी जो स्टार्ट से एंड तक आपको इंटरेस्टिंग ही लगती है। लेकिन ये फिल्म इंटरवल के बाद थोड़ी सी लुढ़क जाती है, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, अगर मेरे हिसाब से पर्सनली मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो देखिए, मैं हॉलीवुड की फिल्म देख चुका हूँ और इस कॉन्सेप्ट पर बनाई गई सीरीज देख चुका हूँ जो कि बहुत ही शानदार थी, अल्टर्ड कार्बन। तो ये फिल्म मुझे देखिए उतना मजा नहीं आता, लेकिन जो कि मैं राम पोटिनी का फैन हूँ और पूरी जगन्नाथ सर की फिल्में मुझे अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दूंगा। अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखे तो आप इस फिल्म को जरूर देखना। आई होप आप लोग डिसअपॉइंट नहीं हो गए। अगर आप लोग डिसअपॉइंट होते तो मैं जानता हूं या तो आप डबिंग की वजह से हो गए, या तो इसके सेकेंड हाफ की वजह से हो गए, या तो फिर इसकी जो वीक ट्विस्ट एंड टर्न्स था उसकी वजह से हो गए। अदरवाइज ये फिल्म टू आउट वे आपको एंटरटेन करेगी, आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे तो आप कहीं पे भी बोर हो गए नहीं, और इस मूवी के गाने बहुत अच्छे हैं। तो बस इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कल
26 फरवरी कल मैं आपको एक कन्नड़ा मूवी बेल बॉटम का रिव्यू करने वाला हूँ। तो प्लीज अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। तो बस मिलते हैं कल बेल बॉटम के रिव्यू के साथ। टिल देन दुआ में याद रखना, मैं हूँ राजेश शेख, बाय।